State President ka BJP Meghalaya o Rickman G. Momin o la kentaj ban kentho ay ay halor ka jing thosh ti ka kong Elizabeth Nongbri jong Menteri Khana Badi Khmi ka tanat Atomic Energy jong Sarkar India o Dr. Jitendra Singh na ka boong ba ka jing tho ka day na ka banta ka NGO jong ka. Haba keli ba ka kamyala dia kum ka nongket kam ka BJP o Rickman o laong ba ka party kan Shim Rai halor ka ni bat kum ba long ka mat uranium ka day ka phang yakran jong Sarkar India bat kum ta umla ban ong iay. That is a party matter, so we'll decide it in the party itself. Was the party aware of this letter sent by one of your karyakarta? No, that is not karyakarta. Na, she may be our party workers, but I think she has written on behalf of some of his society or whatever NGOs which they have formed. Na? But what is the stand of your party in regards to uranium mining in Meghalaya? So that is a sensitive subject, so I'm not going to give you any answer for that. जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर, देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ एक दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आँखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।